उस व्यक्ति का नंबर बताइए। अगर इनके पास आता है सर जो मंच पर बैठे तो उसकी पासबुक की एंट्री दिखाए ना। अगर इनके पास वास्तविक 50,000 आ गया है तो पासबुक की एंट्री दिखाएंगे, मैं आपको एंट्री दिखा दूंगा। कहां पर मिला है पैसा 50,000 का? सतीश जी कह रहे हैं कोई पैसा नहीं आया है, फ्रॉड स्लिप सर्कुलेट किया जा रहा है ग्रुप में। सुशोक जी बिहार में भी किसी को पैसा नहीं आया है, ये बिहार में भी किसी को पैसा नहीं आया है, जुमला है सर। सर आप इस मंच पर प्रूफ करें, जानकारी आपके पास है, बिहार का सबका जानकारी आपके पास है, आप बोल रहे हैं बिहार का पैसा नहीं आ रहा है। अरे सर दिखाओ ना भाई, आप मंच पर दिखाओ ना प्रूफ कि 50,000 मिला है। एडवाइस दिखाओ ना, एडवाइस कागज दिखाओ ना, उसको खाली बोलने से नहीं होगा। झूठ क्या बोलते हैं? मेरी बात सुनिए, आपके पास अगर प्रमाण है तीन दिन से बात आप बोले तो पासबुक दिखाओ ना। पासबुक कहाँ जमा करता जी, एंट्री करके दिखाइए। शेयर का पत्र दिखाओगे आप मरने के बाद? क्या बोल रहे हो, मरने के बाद दिखाओगे क्या? बार बार झूठ बोलते हो तुम लोग बैठ के। अरे तो दिखाओ ना, कौन दिखा दे तुम? लेकिन एक ही हमने किया है, पार्टी के पास मैसेज भेजा है, हमने पार्टी के पास मैसेज भेजा है, दोनों मैसेज भेजे हमने। अरे आप दिखाओ ना किसके खाते में पैसा आया है। हाँ अरे कहाँ है आपके पास पासबुक? है हमारे पास, क्यों नहीं दिखाते आप? दिखाइए पहले। अरे तो दिखाइए ना एविडेंट क्या होता है, आप एंट्री दिखाइए उसकी, आप उसकी पासबुक की एंट्री दिखाइए कहाँ आया है। पाठक जी के पूछिए ना। अरे कहाँ आया बताओ ना। अरे हमने पाठक जी के पास भेज दिया है, हमने पाठक जी के पास भेज दिया है, दोनों मैसेज भेज दिए हैं, आपने उसकी पासबुक की एंट्री दी है क्या? आप जो बोल रहे हो बोल रहे हो, लेकिन बोला कर सतीश जी आप गुमराह। आप हमेशा प्रमाण के साथ देखिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपको जब बात करना मंच पर प्रमाण के साथ बात करें, अन्यथा बात नहीं करें। मैं प्रमाण के साथ बात करता हूँ, प्रैक्टिकल मैं प्रमाण के साथ बात करता हूँ। हमारा पास ये दीजिएगा, ये मेरे पास इन्होंने भेजा, प्रमाण दीजिए पहले। क्या? एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, मैंने प्रमाण दोनों भेजे। मैं प्रमाण के साथ बोलता हूँ, कभी भी देश के सामने मंच पर बैठ करके बिगर प्रमाण के बात नहीं करना चाहिए। हम देश के सामने प्रमाण की बात करते हैं। पहली बात सुनिए, पहले सुनिए, पहले सुनिए, पहले अरे सुनिए, आप जो जब भी बात करते हैं मंच पे तो प्रमाण के साथ करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है, पहले बात सुनो, पहले बात सुनो, मंच के सामने बैठ करके प्रमाण के साथ बात करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी एक दो व्यक्ति का अगर मान लो आ भी गया तो देश के 13 करोड़ लोगों के पास तो नहीं पहुंचाना, पहली बात। दूसरी बात क्या है, मैसेज हो गया है, मैसेज हो गया है, मैसेज फ्रॉड मैसेज गया है, वो मैंने पाठक जी के पास भेज भी दिया है। असली मैसेज जो आया है मेरे पास वो भी भेज दिया है, और जो मैसेज 50,000 का घूम रहा है वो भी भेज दिया है। पाठक जी उसको प्रमाण के साथ दिखाएंगे, भेज ऐसा नहीं है। आप प्रमाण के साथ बैठा करिएगा, मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, बिगर प्रमाण के साथ बात मत करिएगा। अभी मैं प्रमाण को बात करता हूँ हमेशा, हमारे पास सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए। एक मिनट रुके, यूटीआर नंबर जो है, यूटीआर नंबर 08246896810, इनके अकाउंट में जो है वो 5,000 रुपए डिपॉजिट हुआ है, और बैंक अकाउंट नंबर है 10541050479183। ये देखिए ये आया है विथ अगेंस्ट इतना 000505008548, और ये आपका जो क्लेम एप्लीकेशन नंबर था वो था 23090508194423, और जिस डेट में आपने किया था उस डेट में जो पैसा आया है सीआरसी से वो आया है 20/5/9/2023 को, 5/9/2023 को आया है ये क्लेम, नहीं ये क्लेम था 5/9/2023 का जो अभी आया है 5/9/2023 को आया है। हाँ ये आपने भेजा है 2 तारीख को आया है। और सर मैंने इस साल भेजने की जो बात हो रही है तो क्या वो फर्जी है? जी सर वो फर्जी। कौन बना रहा है ये फर्जी मैसेज? तभी मैंने आपके पास डाला था सर,
और मैंने इसका एक आपके मीडिया पे करीबन 2-4 दिन पहले कहा था कि ये 5,000 की जो एफडी थी रियल इस्टेट की, 4,000 का रियल इस्टेट में था, 5,000 का इसका क्यू शॉप बना था और उसके बना स्टार मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 7,500-12,000 का। आज की डेट में उसको पैसा मिलना था 18,000 रुपए, क्योंकि उसका पैसा मात्र 5,000 रुपए जो क्यू शॉप का था वो ही आया है। ये बात हम सर आपके मंच पे करीबन 2-3 बार रख चुके हैं। दूसरा भी मेरा आया है वो भी मेरे मंच पर। एक मिनट सतीश जी, ये 50,000 रुपए मिल गया पोर्टल से, ये किसने फैलाया? सर ऐसे ही इन्हीं लोग, जो लोग हमको धमकी दे रहे हैं, जो लोग हमको गुमराह कर रहे हैं, बार बार कॉल करके दिखाया जा रहा है कि मंच पर इनको बिठाया नहीं जाए, ऐसे लोग आपको मैसेज डाल रहे हैं। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा आपके पास, मैं हर प्रमाण के साथ साथ आपके पास सच चीज दे दूंगा, क्योंकि आया है। मैं कहता हूं अच्छी बात है, आना चाहिए, ये भी अच्छी बात है, मैं इसका कोई विरोध नहीं कर रहा, लेकिन वास्तविक नहीं आया है। और पोर्टल पर कोई भी लॉगिन करता है सर तो टोटल अमाउंट नहीं जाता है, इन्होंने टोटल अमाउंट भी लिख के भेजा है उसमें, वो मैसेज बनाया हुआ है सर। मैं इसका प्रमाण आपके पास पेश किया है, मैं दे सकता हूं, उन दोनों मैसेज को आप देख लें। अगर वास्तविक पैसा 50,000 आता तो मैसेज दोनों के सेम होते, हमने कहीं से कहीं तक कोई गलत मैसेज आपको पास नहीं दिया। अच्छा कन्हैया शाह जी आ गए हैं, कन्हैया शाह जी अच्छा किया आप आ गए, आपका स्वागत है कन्हैया जी। ये मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कन्हैया जी कि अभी जो लोग कह रहे हैं कि 50,000 का जो भी स्लिप घूम रहा है, जो व्हाट्सएप पर आपने मुझे भी, कई लोगों ने मुझे फॉरवर्ड किया, आपने नहीं, कई ग्रुप से मेरे पास आया है, तो मैं तो खुश हो गया कि चलिए 50,000 रुपए मिलना शुरू हो गया तो 5,00,000 भी आएगा, और अगर वाकई में मिल रहा है तो बड़ी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सतीश जी ने कहा कि ये जो संदेश है, वो मैसेज जो है वो फर्जी है, कोई फैब्रिकेट करके उसको चला रहा है, सत्यता क्या है? जी नमस्कार। नमस्कार, मैं अभी 10 मिनट से डिबेट को देख रहा था, मुझे पता था कि जिस देश में माता सीता को भी नहीं छोड़ा गया वहां सारा को क्यों छोड़ा जाएगा, सवाल तो खड़ा होने वाला ही था। मैंने अभी दो एविडेंस भेजा है सर, आप व्हाट्सएप मैंने किया आपके स्टूडियो में, जरा उसको निकाल के देख लिया जाए। सीआरसीएस का 50,000 का मैंने दो स्लिप भेजा है सर आपको, वो दिखा दिया जाए इनको और वो कंफर्म हो जाएगा कि सीआरसीएस से 50,000 आपके पास है, जरा दिखाइए, दिखा रहे हैं वो स्लिप, दिखा रहे हैं वो, आप 50,000 का स्लिप दिखा रहे हैं कि जो आया है वो है ना, आप ये कह रहे हैं सीआरसीएस द्वारा? हाँ जी जी अच्छा, तो एविडेंस है कौन कह रहे हैं? बीएल यादव कह रहे हैं पाठक जी मेरे बगल में जमा करता का 40 रुपया आया है, 40,000 रुपए आया है बीएल यादव। अगर आया है तो उसका प्रमाण थोड़ा भेजिए, वो 40,000 करोड़ 40,000 रुपए का तो हमारे पास भी आजकल 1,000 करोड़ में ही जाता है मामला, मुंह से ही निकल जाता है 1,000 करोड़, मामला है 46,000 रुपए का लेकिन 46,000 करोड़ निकलता है। दिखाइए जरा प्रभात। तो कन्हैया जी आपका यह कहना है कि 50,000 रुपए तक मिलने शुरू हो गए, क्या 50,000 से ज्यादा भी लोगों के पैसे आए हैं क्या जिनका 1,00,000 है? जी नहीं, अभी अभी सिर्फ 50,000 तक की लिमिट का ही पेमेंट आ रही है और ये और इंडिया में आ रही है, 100% आ रही है। हाँ जी देख लो, हाँ 50,000 रुपए इसमें कितना है देखिए भैया, आपको पढ़ने दीजिए, 1,2 हाँ 50,000 तो है और उसमें वैसा ही डिटेल है जैसा सर जी पाठक जी सतीश जी पाठक जी आपने जो भेजा था ठीक उसी तरीके से है। नहीं सर क्लेम अनुरोध करूंगा सर पाठक जी जी सर प्लीज सतीश जी सतीश जी एक मिनट ना सतीश जी, आपने जो मुझे भेजा था जिसको आप यही कह रहे थे ठीक वैसा ही मैसेज है, इसमें भी यूटीआर नंबर इतना है और प्लीज सर सर मैं एक आपसे अनुरोध कर रहा हूँ प्लीज सर, जो मैंने अपना मैसेज भेजा है वो पूरा मेरा मैसेज दिखाइए, उसके बाद इसको दिखाइएगा। हाँ दोनों मैं अनुरोध करूंगा आपसे, जो 5,000 का मैसेज मैंने जो आपको भेजा है वो पूरा ऐसे क्लोज करके पूरा दिखाइए सर, क्या लिखा है मेरा मैसेज? एक मिनट, मैं एक मिनट रुकिए, ये मैसेज मैं इनको भी भेज रहा हूँ,
प्रभात ये जरा मैसेज इनको दिखाइए, ये 5000 का ये मैं आपको भेज रहा हूं, स्क्रीन पर ही दिखा देते हैं, ये गया इनको दिखाइए जरा। लेकिन ऑलमोस्ट एक जैसा एक जो मैसेज है आपने जो जिसको सत्य कहा है सतीश जी, उसी प्रकार से ये भी मैसेज है, ऊपर और नीचे, नीचे की लाइन दोनों सब चेक करिए ध्यान से थोड़ा सा, आप सबसे ऊपर की लाइन देखिए और नीचे देखिए, आप जरा एक मिनट जरा क्लोज करना इसको, दोनों को क्लोज करके, हाँ थोड़ा सा क्लोज करके दिखाइए। इसमें जो आखिरी का लाइन दे रहे हैं उसमें योर क्लेम एप्लीकेशन नंबर इतना डेटेड इतना और आखिर में CRCS, आप पता नहीं आजकल तो लोग ऐसे भी ऊपर में लिखा हुआ है BTR CRCS HQ, कल लोग एडिट भी कर लेंगे साहब इसी तरीके से लिख लेंगे चला देंगे, सच्चाई क्या है। सबसे ऊपर दिया है उसकी लाइन तीन लाइन देखिएगा, सबसे ऊपर लाइन दिया है उसके बाद दिया है, वो इसमें नहीं है, कोई पकड़ है इसकी।